दोबारा पूछ लूं, 5 से 11 बजे भर दूं पहला नॉमिनेशन। वीरेंद्र सिंह को बताते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह के दावे पर दुष्यंत चौटाला का ये ऐलान आज भारी पड़ गया। पिछले कई महीनों से बीरेंद्र सिंह दावा करते रहे, लिखकर देने को भी तैयार थे। वो कहते थे दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने आज उचाना की धरती से ही न केवल चुनाव लड़ने का ऐलान किया बल्कि अपने नामांकन की तारीख और वक्त भी भरे मन से बता दिया। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज उचाना के रजबाहा रोड स्थित जेजेपी के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीरेंद्र सिंह को बता देना, मैं 5 सितंबर को 11 बजे उचाना से पहला नामांकन दाखिल करूंगा। दोबारा पूछ लूं, 5 से 11 बजे भर दूं पहला नॉमिनेशन। बीरेंद्र सिंह को बताते हुए और दूसरी अपने विधानसभा की रैली रखनी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, चंद्रशेखर जी हमारे बीच में आएंगे, तो मैं अलग 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 तारीखों पे विचार कर रहा था, तो फिर मेरी बात डॉक्टर साहब से भी हुई। हमने सोचा पहले 1 का चुनाव था, वो 5 का हो गया, तो आज सुबह जब उनसे चर्चा हुई तो उनका विचार ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी का एक पावन दिवस है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को 11 बजे उचाणा अनाज मंडी के अंदर उचाणा हलके का जलसा, अपन चुनावी जलसा करने का काम। मगर मैं आप सब से, कई लोग कह देते हैं कि जी एक सुरक्षित सीट और ढूंढ लो, मैं एक चीज सबको बताना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा कोई करेगा तो उचाणा करेगा और कोई नहीं करेगा। और अगर उचाणा ने मोर्चा संभाल लिया तो पिछली बार 15 दिन मोर्चा संभाला था आखिरी के, याद है, और 15 दिन में के गेड़ा मारा था, प्रदेश में बदलाव ला दिया था। साथियों, लोग तो आते जाते रहेंगे, वो शेर मैं कई बार पढ़ लिया कि एक छोटे से लालच के लिए। दुष्यंत चौटाला ने यहाँ मंच से ये भी बता दिया कि वो सिर्फ उचाणा सीट से चुनाव लड़ेंगे, कोई और सेफ सीट नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुष्यंत की सुरक्षा कोई कर सकता है तो वो उचाणा ही है। तो कुल मिलाकर एक बात तो तय हो गई कि दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से उचाणा से चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई काफी चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह मैदान में होंगे और चर्चाएं तो ये भी हैं कि इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला भी उचाणा सीट से हुंकार भर सकते हैं। उचाणा से हरदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।